नहीं जाने देना चाहिए, उससे कुछ अपना फायदा उठा लेना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भिंडी को मैंने कहाँ तक भूज। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नगांति चौहान ब्लॉग में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी नगांति जी क्या लिए हैं, आटा सान रही हूं, वीडियो भी एडिट कर रही हूं। हाँ, बहुत सारा काम है तो अभी आटा सान लेती है, उसके बाद मैं सब्जी और रोटी बनाऊंगा अपने हाथों से। आकाश को उनको खीरी दे दूंगा क्योंकि बहुत आज मेहनत करी है, इनके ब्लॉग में दिखेगा आपको। तो चलिए अभी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, आटा सान लेती है और उसके बाद क्या क्या बनाते हैं सब दिखेगा वीडियो में, प्लीज वीडियो देख सकते हैं। आटा सान दिया आकाश की मम्मी और इधर देखिए अपने मोबाइल में लग गई अपना यूट्यूब फैमिली को टाइम से वीडियो पहुंचे इसके लिए। तो चलिए अभी कर रहे हैं एडिट, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चल रहा हूँ रोटी और सब्जी में क्या बनाता हूँ, एमी टेस्टी टेस्टी एकदम स्वादिष्ट भोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं अभी अपना स्टैंड ढूंढू किधर है, क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ के वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं अपना स्टैंड पहले ढूंढ लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली मैंने स्टैंड अपना लिया और स्टैंड में लगा के जो भी सब्जी बनाऊँगा रोटी बनाऊँगा सब आपको अच्छे से दिखेगा और सब्जी में क्या बनाने वाला हूँ। चलिए मैं पहले सब्जी निकाल लेता हूँ और मोबाइल लगाता हूँ अपने स्टैंड पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं क्या बनाने वाला हूँ, भिंडी का भुजिया और रोटी। तो भिंडी का भुजिया अभी एकदम टेस्टी टेस्टी बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ ये भी सब आप देखिए और कितना मस्त बनाता हूँ। हाँ आकाश की मम्मी, भुजिया खाएंगी कि रसदार? बच्चे आप लोग भिंडी का भुजिया? अच्छा चलिए भुजिया बनाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली भिंडी मैंने काट लिया है, लेकिन इतने में हम लोग को पांच आदमी होगा नहीं, थोड़ा सा इसमें और आलू में काट के डालने वाला हूँ पतली पतली, तो और भुजिया एमी एमी टेस्टी टेस्टी एकदम लगने लगेगा। तो चलिए मैं आलू भी पतला पतला धुल के काट लेता हूँ, उसके बाद भुजिया बनाऊँगा फिर रोटी। और इधर देखिए इतना बेस्ट निकला है, क्योंकि भिंडी खरीदने जाते हैं तो इतना बेस्ट निकलता है। तो देखिए इसको मैं रख दे रहा हूँ, ये जुआया भी है क्योंकि जुआया हुआ का भुजिया अच्छा नहीं लगता है, इसका अगर रस्सी में बाल रसीदार सब्जी बनाएंगे तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये बेकार है, हमारा बकरी खा जाएगी, इसको भी फेंकेंगे नहीं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा आलू काट लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली आलू काट के धुल दिया हूँ और इधर हरी मिर्च, हरी मिर्च तो भुजिया में जितना डाल दीजिए उतना ही बहुत है, कमी है समझिए, बहुत नहीं है। तो चलिए मैं प्याज धुल लिया हूँ, प्याज भी काट लेता हूँ पतला पतला, उसके बाद भुजिया हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और चाकू से काटने का तो प्याज अलग ही स्टाइल है और मज़ा भी, देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त कट रहा है। तो चलिए मैं प्याज काट लेता हूँ, उसके बाद बनाएंगे भुजिया आलू और भिंडी का। और इसमें दोस्तों मैं टमाटर भी डालने वाला हूँ भुजिया में, पहले बता दूँ क्योंकि टमाटर हुआ है सस्ता, टमाटर तो ऐसे खाना चाहिए, वो भी हरा सब्जी है। तो चलिए प्याज मेरा कट गया और टमाटर धुल लेता हूँ, उसके बाद काट लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते मेरा तेल पड़ गया कढ़ाई में, अब इसको मैं प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्च और एक हल्का सा बैंगन भी था उसको भी मैंने डाल दिया, थोड़ा और टेस्ट बढ़ेगा। तो इसको चलिए मैं भून देता हूँ। छोलनी किधर गया जी मेरा, छोलनी में ले आलू पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भूज रहा हूँ और नगांती जी भी फ्री हो गई, अभी रोटी बनाना शुरू कर दिए। तो चलिए दोस्तों अभी दोनों अभी मिल के जल्दी जल्दी बना लेते हैं, अब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं अभी। चलिए अभी दोस्तों हमारे मोबाइल रिचार्ज नहीं है ना। हाँ रिचार्ज खत्म हो गया मोबाइल का और आज ब्लॉक भी नहीं, इसी वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाएंगे। अभी खाना टाइम से बना लेते हैं। चलिए अभी इतना मस्त आज भुजिया को जितने भूजेंगे उतने टेस्टी होता है दोस्तों। नहीं वो थोड़ा सा इसमें वो डल गया ना, क्या बोलते हैं भिंडी, वही हो रहा है, फिर ज़्यादा नहीं है।
और ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था इसीलिए डाल दिया ना, कि प्याज पानी छोड़ रहा है सब, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं था। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी कितना सुंदर रोटी फुला दी है खाते में अभी, और इधर देखिए हाँ प्याज मेरा लाल हो गया था भुजा के, फिर मैंने भिंडी डाला, अभी आलू नहीं डाला हूँ क्योंकि आलू अभी डाल दूंगा तो अच्छा नहीं भुजेगा, ये थोड़ा भूज जाता है, फिर आलू डालूंगा, आलू एकदम पतला पतला काटा हूँ जल्दी पक जाएगा। आप लोग भी ऐसा अगर भुजिया बनाते हैं भिंडी और आलू का तो आलू पतला पतला काटिए और भिंडी और प्याज और हरी मिर्च से भूज के उसके बाद आलू डालिए, तब देखिए इसका टेस्ट कितना मस्त होता है। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं भिंडी को मैंने कहाँ तक भूज दिया, और उसके बाद इसे मैं डालने वाला हूँ आलू, और उसके बाद भिंडी आलू भूज देंगे खूब मस्त। चलिए अभी इसको और भूज देता हूँ, उसके बाद इसमें क्या क्या डालेगा मसाला में हल्का सा वो भी दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी कितना मस्त मस्त रोटी बना रही है, बढ़िया है ना। हाँ। रोटी अच्छा अच्छा हो रहा है, वो पतला सा तावा था फूट गया था, रोटी भी जल्दी एक भी रोटी सही नहीं होता है, उसे हम लोग इससे बहुत मस्त हो रहा है। हाँ। अभी इसका भी मैं रोटी बनाने का कोशिश करता हूँ, इससे इनसे भी अच्छा अच्छा ये भी टेस्टी टेस्टी रोटी बनाऊंगा। रुकिए जी आकाश मैं, आप सब्जी बनाइए मैं रोटी बनाता हूँ। तो नहीं नहीं मेरा हाइट आपसे बड़ा है कहीं ना, मैं चलिए अभी मैं पहले सब्जी थोड़ा सा गड़बड़ करें कहीं। हाँ हाँ ये गलत बताइए ना, ये जो चलिए चलिए भुजिए सब वही कर हो गया। चलिए अभी दोस्तों रोटी और भुजिए थोड़ा भुजिए देख सकते क्या पानी थोड़ा ना फीका नहीं है ना, अभी थोड़ा थोड़ा फिर पक जाता है तेल और मसाला तो बिल्कुल नॉर्मल खाते है, फिर भी भुजिया बनाना चाहिए हमारा रोटी और मैं थोड़ा और भुजिया दीजिए टमाटर, तो जब हल्दी डालेंगे तब डालेंगे तो फिर उसके साथ भूजेंगे तो पेन में चिपचा जाएंगे। चलिए दोस्तों अभी हाँ सिप चेंज सिप चेंज मैं इधर आऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सिप चेंज हो गया, आकाश को कह रही नहीं आज मैं ही रोटी बनाऊंगी, आप सब्जी अपना बनाइए। तो चलिए अभी मैं भूज भूज के इतना टेस्टी बनाता हूँ, खुशबू जा रहा है बेटा। हाँ देखिए दोस्तों खुशबू जाने लगा बच्चे का। तो चलिए अभी मैं इसमें टमाटर पहले हल्दी थोड़ा सा डाल लेता हूँ और हल्का सा मसाला डालूंगा थोड़ा इसका टेस्ट और हल्का सा एकदम कलर होने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं कोई नहीं पहले हल्दी में डालता हूँ, मिर्ची भी डाले हैं हरा मिर्ची हमने, हरा मिर्च तो कुछ ज़्यादा ही डाला हूँ तो हरा मिर्च भुजिया में बहुत अच्छा लगता है भूज के खाने में। बोलते बोलते मुँह में पानी आ गया, पानी आ गया ओ हल्दी दीजिए। तो दोस्तों देख सकते अभी मेरा भुजिया कैसा हो गया और खुशबू कैसा लग रहा है जी, है बहुत एकदम टेस्टी टेस्टी खुशबू हो गया। तो चलिए दोस्तों फाइनली हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया, आलू भिंडी और टमाटर का भुजिया और रोटी भी थोड़ा सा बस दो तीन है पक जाता है। तो फिर मिलते हैं डाइनिंग टेबल पे, आकाश चैलेंज करोगे, आकाश आकाश की तरह जी चैलेंज करोगे, आ जाओ किचन में आ जाओ। तो चलिए अभी आकाश आ रहा है, देखते हैं चैलेंज करते हैं कि नहीं डाइनिंग टेबल पे। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली सब्जी बन के तैयार हो गया, इधर आकाश के मम्मी रोटी बना रही है, हाँ रोटी बना रहे हैं, इधर बच्चों को दे दिए खाना, बैठ के खा रहे हैं तीनों भाई। अब कैसा बना है? ठीक है। हाँ भर पेट खा लो उसके बाद पानी पी के सो, फिर हम लोग अपना बन जाता है, फिर दोनों आदमी अपना खा के सो जाएंगे, हम लोग भी फिर मिलेंगे सुबह दूसरा एमी एमी टेस्टी कोई रेसिपी लेके आप लोग के सामने, जो एकदम बिल्कुल अच्छा लगे मैं उसका ले आया हूँ, अभी नाम बताऊँगा नहीं ब्लॉग में कब बनने वाला जी।
क्योंकि मैं एक बार बना के अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। हाँ, कटहल जो डाल चुकी थी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि इनका कटहल पका हुआ था। हाँ। अच्छा नहीं लगा हम लोग को, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कच्चा कच्चा है ना। हाँ। तो और अच्छा लगता है। थोड़ा दो तीन दिन वो रख दिए तो हम लोग पका पका सा हो गया था। हाँ। तो उतना एमी टेस्टी टेस्ट नहीं लगा, लेकिन अभी जो मैं लाया हूँ दोस्तों दिखा दूँ आपको, इधर देखिए। तो ये कल रेसिपी सुबह सुबह बनेगा एकदम बिल्कुल ऐसा ही है ना जी। हाँ, हाँ तो कल बनेगा वो भी चूल्हा पे। हाँ, मिट्टी के चूल्हा पे। तो दोस्तों हाँ, उसमें बनाई थी, उसमें बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। अच्छा, तो चलिए कल बनाते हैं और फिर उसका खुशबू देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। कल दिन में ही बनाएंगे। हाँ। हाँ। बेटा कुछ घटेगा तो आवाज दीजिएगा। चलिए अभी हमारा बन ही गया, फिर चलते हैं। कितना रोटी बचा जी? अच्छा बच्चों खिलाओ, फिर तब तक मैं हाथ पैर थोड़ा धुल लूँ। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना रेडी होके हम लोग सब आदमी खा लिए और बच्चे भी सो गए, नागांती चौहान जी भी सो गए, थोड़ा उनका तबीयत डाउन सी लग रहा है। चलिए दोस्तों फाइनली ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो एंड करने का भी वजह है क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी थोड़ा बहुत MB बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ अपलोड हो जाए तो कल टाइम से वीडियो आप लोग साथ शेयर कर सके, तो अच्छी बात है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उससे कुछ अपना फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ कल एकदम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।